डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से वर्ष 2021 और 22 एनईटी के तहत फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी या कहें छात्र का लगातार हमारे चैनल पर कमेंट आ रहा था कि सर कुछ कॉलेजों के जो रिजल्ट है उसमें MW दर्शाया जा रहा है, कुछ कॉलेजों के रिजल्ट अभी तक नहीं आए। इसको लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि जितने भी संबंधित महाविद्यालय हैं, जिन महाविद्यालयों ने अभी तक विश्वविद्यालय को इंटरनल और प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं भेजे हैं वो 3 दिन में भेज दिए जाएं, अपलोड करा दिए जाएं। अब मैं बताऊँ आपको कि जिस तरीके से लगातार MW की समस्या को लेकर विश्वविद्यालय में छात्र चक्कर काट रहे हैं लेकिन उनकी समस्या दूर नहीं हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि विश्वविद्यालय के पास उन छात्रों का जो इंटरनल और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स होते हैं वो नहीं, कुछ कॉलेज वालों ने भेजे नहीं है, जिसको लेकर विश्वविद्यालय ने कड़ा कदम उठाते हुए कॉलेज वालों को ये नोटिस जारी कर दिया। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि हमारा परिणाम नहीं आया अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। उनको लेकर मैं बता दूं कि कुछ कॉलेज ऐसे अभी भी बचे हैं जिन कॉलेजों ने विश्वविद्यालय को फीस उपलब्ध नहीं कराई, परीक्षा का जो शुल्क होता है वो विश्वविद्यालय में जमा नहीं किया है, जिसके चलते विश्वविद्यालय ने रिजल्ट जारी नहीं किया है और विश्वविद्यालय ने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कॉलेज वालों को। और मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट वीक में ऐसे छात्र जिन छात्रों की रिजल्ट में परिणाम में जो है MW दर्शाया जा रहा है उनका MW भी ठीक हो जाएगा, साथ ही साथ जिनका परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है वो घोषित भी हो जाएगा, क्योंकि तो अभी जो है सेमेस्टर की परीक्षाएं विश्वविद्यालय को करानी है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की, और अगर सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का परिणाम घोषित नहीं होता है तो ये भी विश्वविद्यालय के लिए भी बड़ी चुनौती है और छात्रों के भविष्य पर एक संकट मंडरा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है महाविद्यालय जो अभी तक जो है विश्वविद्यालय में ना ही फीस जमा कर सके हैं और ना ही इंटरनल मार्क्स दे सके। विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर की तैयारियां जो है वो पूरी कर ली हैं, जल्दी हो सकता है आपकी डेट शीट जारी करके विश्वविद्यालय परीक्षाएं करा दें, लेकिन उससे पहले विश्वविद्यालय को ऐसे छात्र जिन छात्रों की MW है और रिजल्ट घोषित नहीं किया है उनका रिजल्ट को क्लियर करना है। विश्वविद्यालय जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल लाइव एक्सप्रेस 24 को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लाइव एक्सेस 24 को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक खबर को जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लाइव एक्सेस के लिए हैदर अली की रिपोर्ट, आगरा।